प्रदेश में कर्फ्यू लागू होते ही बीते 14 दिनों से दो नेपाली नाबालिग अकेले ही इस कोरोना से जूझ रहे थे। ये बच्चे संजौली की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निर्माणाधीन भवन के सेप्टिक टैंक में रहने को मजबूर थे, जिन्हें उमंग फाउंडेशन और शिमला पुलिस प्रशासन के सहयोग से सर्वोदय आश्रम पहुंचाया गया है। पिछले 14 दिन से इन बच्चों के माता पिता का भी कोई पता ठिकाना नहीं है। कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू की मार वैसे तो हर गरीब तबके पर पड़ रही है, लेकिन शिमला के संजौली के साथ लगती हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नेपाली मजदूर के दो मासूम बच्चों के ऊपर तो दोहरी मार पड़ी है। कर्फ्यू के कारण एक तो बाहर निकलने पर पाबंदी, दूसरा उनके माँ बाप का कोई पता ठिकाना नहीं। ऐसे में SJVNL में कार्यरत सन्नी, उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और पुलिस उप अधीक्षक परवीर ठाकुर इन दोनों बच्चों के लिए फरिश्ते बनकर आए। अब तक के 14 दिन के कर्फ्यू में जहां आम आदमी को अपने ही घरों के भीतर रहने में दिक्कत हो रही है, वहीं 10 और 11 वर्ष के ये दो भाई संजौली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में बीते 14 दिन से रह रहे हैं। इन बच्चों पर जब सन्नी की नजर पड़ी तो उन्होंने इन्हें खाने पीने का सामान दिया और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। अजय श्रीवास्तव ने पुलिस उप अधीक्षक प्रवीर ठाकुर को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने इन्हें वहां से निकाला और उनका मेडिकल करवाने के बाद इन दोनों मासूमों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से KNH समीप सर्वोदय बाल आश्रम पहुंचाया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक प्रवीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इन दोनों बच्चों का मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है और परिस्थिति के मुताबिक आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल रात को 10:10 बजे हमें सूचना मिली कि दो बच्चे सीवरेज टैंक में हैं, दो भाई हैं, छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के। तो ये सूचना हमारे को अजय श्रीवास्तव जी ने दी, जो उमंग फाउंडेशन में काम करते हैं। उनको एक व्यक्ति ने एक वीडियो बना के भेजा। वो व्यक्ति SJVNL में काम करता है, सन्नी नाम का व्यक्ति। तो वो वहाँ से जा रहा था, उसने देखा कि बच्चे टैंक में हैं और उन बच्चों से जब उसने पूछा तो बच्चों ने कहा कि 8-10 दिन से जब से लॉकडाउन है तो वो उसी टैंक में रह रहे हैं 8-10 दिन से, और उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है। उनको भी पता नहीं माँ बाप कहाँ हैं। पहले वो किराए के मकान में कहीं रहते थे, तो अब वो माँ बाप का भी उनको कोई बच्चों को पता नहीं कि कहाँ पे रहते हैं। तो उन जैसे हमें सूचना मिली तो हमने SHO ढली को बताया कि उन बच्चों को रेस्क्यू करें, और SHO ढली अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन बच्चों को अपनी थाने की गाड़ी में हम लेके आए। उन बच्चों का हमने कल मेडिकल करवाया और कोई भी ऐसी उनको जैसे कई बार बच्चों से चांसेस रहते हैं कोई मारपीट की हो, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, तो ऐसे कोई नहीं था प्राइमा फेसाई। तो और उसके बाद फिर उन बच्चों को रेस्क्यू करके उनको खाना वगैरह खिला के हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करके और जो बालाश्रम है वहाँ पे उन बच्चों को पहुँचा दिया है। तो बच्चे वहीं पे हैं बालाश्रम में ही, और आगे की कार्रवाई जो इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसमें कर रही है। सर, अगर उनके माँ बाप का पता चलता है, अगर वो पकड़े गए, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि हमने CWC को कर दिया है, तो CWC अपने हिसाब से काम करती है। जो उनके माँ बाप हैं हम भी संपर्क कर रहे हैं उनसे, अगर होता है वो भी करेंगे। तो उसके बाद क्या हालात होते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने जानबूझ के बच्चों को छोड़ा है या वो किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस कोरोना महामारी ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर अपनी चपेट में ले लिया है, और ना जाने इन बच्चों और इनके माँ बाप की तरह कितने ही गरीब इस कोरोना की परोक्ष मार झेल रहे हैं। ऐसे में समाज के हर इंसान को एक दूसरे का सहारा बनकर ही कोरोना को मात देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।